हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लास। स्टैंडर्ड फर्स्ट सब्जेक्ट मैथ्स, मैथ्स में चैप्टर 11 में वर्कबुक में पेज नंबर 187 ओपन करो बेटा। 187 मतलब 187, ओके। 186 तक तो आपको कंप्लीट किया है। अभी आज 187 में क्वेश्चन नंबर है 3, MATCH मैच द फॉलोइंग। आपको यहाँ क्या करना है बेटा, नंबर दिया है टेंस और वंस में और नंबर लिखा है, तो वो नंबर के साथ आपको मैचिंग करना है। 50 प्लस 7 में मतलब 50 के साथ में 7 आपको प्लस करना है। 51 52 53 54 55 56 57, तो 57 57 आपको ऐसे यहाँ 57 में मैचिंग करनी है। 50 प्लस 1 तो 51 होता है, वो तो आपको पता है, तो यहाँ मैच कर दो जहाँ 51 लिखा है। 50 प्लस 5 में आप लोग को 50 में 5 ऐड करना है, मतलब 51 52 53 54 और 55, तो यहाँ लिखा है 55, तो उसको आप मैच करो। 50 प्लस 9 तो 50 में 9 प्लस करना है, 51 52 53 54 55 56 57 58 59, तो 5 9 59 आपको मैच करना है। और यहाँ देखो 5 9 59 मतलब 5 10s and 9 1s, तो 5 10s and 9 1s कहाँ लिखा है, ये रहा, तो आपको यहाँ इसके साथ मैच करना है। 54 का मतलब है 5 10s and 4 1s, तो ये यहाँ लिखा है 5 10s and 4 1s, 54 को यहाँ आप मैच करना है। 55 मतलब 5 10s and 5 1s, तो 5 10s and 5 1s यहाँ लिखा है, तो आपको 55 को यहाँ मैच करना है। 56 5 10s and 6 1s मतलब 56, तो आपको ये मैचिंग हो गई। अभी क्वेश्चन नंबर 4 आया। क्वेश्चन नंबर 4 में राइट द मिसिंग नंबर, यहाँ नंबर दिया है उसमें जो मिसिंग है वो आपको यहाँ लिखना है। 51 दिया है, 52 53 4 दिया है, 55 56 57 58 59 दिया है, 60 है ना, तो ऐसे 51 से 60 नंबर यहाँ आपको मिसिंग नंबर लिख लेना है। क्वेश्चन नंबर 5, पुट सर्कल, यहाँ देखो पिक्चर के आंसर है शेप्स सर्कल है ना, तो आपको सही आंसर पे सर्कल ही करना है। जो राइट करो या रेक्टेंगल ड्रॉ करोगे तो रॉन्ग होगा, सर्कल बोला है तो सर्कल ही आंसर पे सर्कल करना है। पुट सर्कल अराउंड द ग्रेटेस्ट नंबर, ग्रेटेस्ट मतलब बदले 3 नंबर बॉक्स में दिया है, इसमें से ग्रेट नंबर मतलब सबसे बड़ा, जो ज़्यादा नंबर है वो सबसे बड़ा है, उस पर आपको सर्कल करना है। पहला नंबर पढ़ना है 58 52 55, तो इसमें ये 3 नंबर में से ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है बेटा, 58, यस सही, तो यहाँ 58 पे आपको क्या करना है बेटा, ऐसे सर्कल करना है। दूसरे बॉक्स में है 51 54 53, तो ये दोनों में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 53, यस, तो यहाँ सर्कल करो। तीसरे बॉक्स में 59 60 और 56, ये 3 में ग्रेटेस्ट नंबर कौन सा है, 60, यस, तो 60 पे सर्कल करो। और लास्ट में है बॉक्स में है 57 51 और 54, तो ये 3 में ग्रेट नंबर कौन सा है, 57, यस, तो यहाँ आपको सर्कल करना है। अब क्वेश्चन नंबर 6, पुट, यहाँ देखो ट्राइंगल शेप से, तो आपको ट्राइंगल शेप सी आंसर में बनाना है अराउंड द स्मॉलेस्ट नंबर, स्मॉल नंबर में आपको क्या करना है बेटा, ट्राइंगल करना है। तो जो कम नंबर है 3 में से, लेस है, उसको आपको स्मॉल नंबर बोलते हैं, 53 56 60, तो ये 3 में स्मॉल कौन है बेटा, 53, तो आपको यहाँ क्या करना है, ट्राइंगल ड्रॉ करना है, ओके। दूसरे बॉक्स में 51 52 और 53, ये 3 में स्मॉल कौन है बेटा, 3 में स्मॉलेस्ट है ना, 51, तो आपको यहाँ ट्राइंगल ड्रॉ करो। 57 58 और 59, ये 3 में स्मॉलेस्ट नंबर बताओ बेटा,
57, यस, तो यहाँ आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है। 52, 54 और 56, ये तीन में स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है? 52, तो यहाँ आपको ट्रायंगल ड्रॉ करना है ना। अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 7, 7 में राइट द जस्ट सक्सीडिंग नंबर। सक्सीडिंग नंबर है आफ्टर नंबर, आपने अभी तक आफ्टर और बिफोर सीखे है, तो यही आफ्टर नंबर ही है। ना पता चले तो जो नंबर दिया है उसके पीछे जो ब्लैंक्स होती है, तो आपको पीछे का नंबर आफ्टर नंबर लिखना है। यहाँ 54 है तो 54 आफ्टर क्या लिखोगे? 55, 59 आफ्टर 60, 56 आफ्टर 57, 51 आफ्टर 52, 58 आफ्टर 59। ओके बेटा, क्वेश्चन नंबर 8 में राइट द जस्ट प्रेसिडिंग नंबर। प्रेसिडिंग नंबर मतलब बिफोर नंबर, तो 53 बिफोर कौन सा नंबर आता है? 52, 55 बिफोर 54, 58 बिफोर 57, 57 बिफोर 56, 52 बिफोर 51, है ना बेटा। अभी यहाँ क्वेश्चन नंबर 9 में है राइट द मिडल नंबर। मिडल मतलब बीच में, बिटवीन नंबर। अभी तक आपने हेडिंग बिटवीन नंबर ही सीखा है, बिटवीन मतलब मिडल ही है, बीच का नंबर लिखना है। 55 और 57 मिडल नंबर कौन सा आता है? 56, 52 और 54 मिडल नंबर 53, 58 और 60 मिडल नंबर 59, और 54 और 56 मिडल नंबर 55। ओके बेटा,